दोस्तों नमस्कार। अभी धनराज गरासिया जो कि झाड़ोल क्षेत्र के एक गांव है उसमें रहते हैं, और आज मैंने इनको कॉल किया है जिस मकसद से, जिस पर्पज से, तो इन्होंने मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया था और एक मतलब जंगल से जुड़ी हुई, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई एक समस्या के बारे में अवगत कराया है। मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि वहाँ पर किस प्रकार की घटनाएं हो रही है, मुझे थोड़ा सा आप विस्तार से बताएंगे इस बारे में। हाँ जी भाई साहब, इसमें क्या है कि होली का महीना आता है, जब होली का त्योहार आता है तो जी उससे पहले ही आदिवासी अंचल में, दक्षिणी राजस्थान में, जहाँ जनजाति समाज निवास करता है, और वहां पर लोग जंगलों में आग लगा देते हैं। एक सबसे बड़ा कारण होता है कि वहां पर महुआ होता है, तो ठीक है उसके ना तो उसके लिए वो महुआ गिरेगा, उसको संग्रहण करने के लिए आग लगा देते। पर साथ ही एक बड़ी जो पुरातन परंपरा से एक कुरीति आ रही है कि लोग जंगलों में आग लगा देते हैं तो उसको संतान की प्राप्ति होगी, तो एक ये गलत कुप्रथा के कारण फुलवारी अभयारण्य में, दक्षिण राजस्थान में जो जंगल है, जो सेंचुरी क्षेत्र का, जो अरावली का, तो जी वहां पर जी दावानल के चपेट में जा रहा है पूरा। अच्छा, तो मतलब लोग क्या करते हैं कि एक कुरीति, आप जिसको कुप्रथा के रूप में बोल रहे हैं, हाँ और आदिवासी जो लोग हैं उस क्षेत्र में, मतलब एक तरह से एक मान्यता है ऐसी वहां पे कि पुत्र प्राप्ति के लिए इस तरह की आग लगा दी जाती है जंगल में। हाँ बिल्कुल सही आपका कहना है कि पुत्र प्राप्ति के लिए ये आग लगा देते हैं। और एक ये हजारों साल से, आजादी के बाद से ये प्रथा चली आ रही है। आज दिन तक राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार और जनप्रतिनिधियों ने, इस प्रकार का कोई विभाग ने भी नहीं कानून बनाया जिसके कारण इस समस्या पर, इस पर्यावरण मतलब संरक्षण ध्यान नहीं को। दे पाए। ठीक है धना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस समस्या को कब से देख रहे हैं और आपको कब लगा कि हाँ मुझे इसके खिलाफ थोड़ा आवाज उठानी चाहिए, मैं जानना हाँ, चाहूंगा। इसके खिलाफ जब मैंने, मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई थी जी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से, मैं भूगोल का विद्यार्थी रहा था, और उसके अच्छा बाद मैं सामाजिक क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़ा, और वन उत्थान संस्थान से जुड़ने के बाद मुझे इसके बारे में और भी समझ बनी। तो मैं समय समय पर जहाँ पर समुदाय के लोग होते हैं उनसे मिलते हैं, उनसे हमेशा पर्यावरण संरक्षण के लिए बात करता हूँ। एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे आपने मुझे एक वीडियो भेजा है, उस वीडियो में मतलब जंगल में आग लगी हुई है और आप उसमें अकेले ही उस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या मतलब आपको वहां बाकी जो लोग हैं उनकी तरफ से सहयोग ऐसा नहीं मिल रहा है, क्या धारणा है लोगों में वहां पर? लोगों का अभी तक, लोगों की धारणा है कि वो लोग जो जंगल है उसको अपना नहीं मान रहे हैं, ये प्रकृति का है, जल जाएगा, फिर से हो जाएगा। पर एक पर्यावरण दीर्घकालीन के लिए इस प्रकार की जंगल में आग लगती है तो उसको सभी शिक्षित समाज, वडील, राजनीतिक, सभी बिल्कुल प्रतिनिधियों से इसको बुझाने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, ये धनराज जी जो कि बता रहे हैं वहां पे, आपके गांव का नाम कौन सा बताया? मेरा गांव का नाम है जाडोल तहसील के फलासिया पंचायत समिति के ग्राम पंचायत गुराड़ का बोबरावाड़ा गांव है। बोबरावाड़ा गांव है और उसमें धनराज जी खुद वहां पे रहते हैं और इस तरह की समस्या को वो खुद ही झेल रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं और उसमें उसमें वो अपना मतलब आग बुझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुंदरलाल बहुगुणा, खेजरली आंदोलन, जिस प्रकार का उन्होंने वृक्षों के लिए बलिदान, बचाने के लिए प्रयास किया था, उसके लिए बिल्कुल, मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। तो आप मतलब उनसे जो सुंदरलाल बहुगुणा और जो खेजड़ली आंदोलन जिस प्रकार से राजस्थान में हुआ, तो हाँ इस जी तरह के आंदोलनों से आप प्रेरित हैं और उसी तरह की एक पहल करना चाह रहे हैं अपने क्षेत्र में, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल लगता है। चलिए धनराज जी बहुत बढ़िया, और उम्मीद करते हैं कि आपकी बात जनमानस तक पहुंचेगी, खासकर आपके इलाके में रहने वाले जितने भी तमाम युवा है जो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं और ऐसे संवेदनशील युवा जो गांव में रह रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, जरूर आपकी बात को सुनेंगे। युवा है इस बात को लेकर उनकी कुछ चिंताएं हैं जो प्रशासन से हैं, सरकार से हैं, कि कुछ न कुछ इस कुप्रथा के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के रूप में कुछ न कुछ किया जाए। तो धनराज जी आपका बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद, और इस तरह की कोशिश एक युवा होने के नाते मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी आपने पहल की है और आपकी ये पहल वहां के युवाओं तक जब पहुंचेगी तो वो लोग भी इस बात को समझ पाएंगे अपनी एक जिम्मेदारी को, कि जंगल को जलाना सिर्फ पेड़ पौधों को जलाना नहीं है बल्कि वहां पर मौजूद छोटे मोटे बहुत सारे जीव जंतु और जो एक डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, जैव विविधता की, वो उस बायोडाइवर्सिटी को बचाने का आपका एक जो प्रयास है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं आपको इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा एनलाइटन भारत की तरफ से, जिस प्रकार आपने पहल की है, तो मैं आपकी बात को आगे तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और आज आपने मेरे से बात करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।